जी शेख, ज़ईफ़ुल उम्र शेख, ज़ईफ़ुल उम्र शख्स जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखता तो वो फिदिया देगा, लेकिन उसके फिदिया देने की जो सूरत है उस सूरत के बारे में मेरा सवाल है शेख शेख से। बारकल्लाहु फ़िकुम। जी फरमाए, सवाल क्या है सही? सवाल जी शेख, वो फिदिया देगा ज़ईफ़ुल उम्र शख्स जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखता, लेकिन उसके फिदिया देने की सूरत क्या होगी? तो सवाल क्या है, उस जवाब तो आपने बता दिया, बिल्कुल सही बताया आपने। सूरत क्या होगी? नहीं शेख, फिदिया देने की उनकी सूरत क्या होगी, ये मेरा सवाल अच्छा है। अच्छा, देखिए जितने जितने दिन भी रोजे वो नहीं रख रहे हैं, हर दिन की तरफ से एक मिस्कीन को खाना खिलाएंगे। वो खाना या तो बना करके खिला दें, या खाने पीने के बनाने के लिए जो साफ सामान होते हैं वो सारे सामान मुहैया करके दे दें, वो खुद बना करके खा लेंगे। अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब वो ज़ईफ हो गए थे तो क्या करते थे कि जब पूरा रमजान गुजर जाता, बिल्कुल रमजान आखिरी होता, आखिरी अय्याम में वो 30 लोगों को इकट्ठा करते और खाना बना करके सबको एक साथ खिला देते, 30 दिन का एक साथ। तो देखिए एक तरीका उन्होंने, सहाबी रसूल ने खुद बता दिया। तो उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप रोजाना खिलाते रहें, जैसे जैसे रमजान गुजरता जा रहा है आप खिलाते जा रहे हैं हर दिन की तरफ से एक मिस्कीन, और आप चाहें तो पूरा रमजान जब गुजर जाए तब एक साथ खिला दें। हाँ, रमजान गुजरने से पहले नहीं खिला सकते। जैसे कोई सोचे कि मैं पहली पहली रमजान को पूरे महीने का खिला दूं तो नहीं, क्योंकि अभी उसका सबब नहीं आया है। किसी इबादत को उसके सबब पर मुकद्दम नहीं किया जा सकता। खिलाने का सबब है रोजा ना रखना, तो जब आपने रोजा नहीं रखा, वो दिन गुजर गया, तब आपको खिलाना है। पहले नहीं खिला सकते, बाद में आप कभी भी खिलाएं। और खिलाने में या तो आप खाना बनाकर खिला दें सबको बुलाकर के, या खाना बनाकर उनके घर पहुंचा दें, या खाना बनाने का मटेरियल जो सारा है वो दे दें, वो बना करके खा लेंगे। जी ठीक है शेख, जज़ाकअल्लाह खैर। जी सईद भाई। जी शेख, जज़ाकअल्लाह खैर। निस्फ सा का भी तज़किरा है शेख, यानी खाने पीने की जो चीजें हैं उसमें से निस्फ सा दे सकते हैं उनको? निस्फ सा दे सकते हैं। हाँ देखिए, बाज़ फुकहा ने निस्फ सा की बात की है, लेकिन इस सिलसिले में मुझे कोई वाज़ह दलील नहीं मिली, क्योंकि कुरान के अंदर खिलाने की बात कही गई है, और खिलाना ये निस्फ सा से जो है इसको इसका लिमिटेशन निस्फ सा बनाना ये दुरुस्त नहीं है। जी आपको खिलाना है, हो सकता है कोई मिस्कीन निस्फ सा खाए, कोई निस्फ सा से कम खाए, कोई निस्फ सा से ज्यादा खाए। अलबत्ता बहुत सारे फिदिये शरीयत में ऐसे हैं जहां पर मिकदार की कैद लगा दी गई है, जैसे कफारतुल अदा है हज के मौसम में, महजूरात एहराम का इत्तेकाब करने वाले के लिए, तो वहां निस्फा की कैद है तो वहां तो निस्फा देंगे, लेकिन जहां पर निस्फा की कैद नहीं है वहां पर अपनी तरफ से निस्फा ना लगाएं, बल्कि इतआम ये मुतलक रहेगा, जितना भी वो खाएगा उतना हम खिला देंगे।